नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। रोल एक्युमुलेशन में आप लोगों को सभी को स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया कुछ ट्राई करने वाले हैं। जैसे अक्सर अभी सभी को देखा जाता है, मतलब सभी लोग रील्स वगैरह करने के लिए वीडियो ऐप का ज़रूरत पड़ता है। तो वीडियो ऐप जो अक्सर मिलता है, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, इधर आपको फ्री में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे आप, इनशॉर्ट सर्च करेंगे, तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ऐसा ऊपर में आप लोग देख रहे हैं, इनशॉट वीडियो एडिटर एंड मेकर इनशॉट पहले से इंस्टॉल किया हुआ है मेरे अकाउंट में, मेरे मोबाइल पे। तो आपको दिखाना चाहते हैं कि इनशॉट पे आप आसानी से कैसे एडिट कर पाएंगे अपना वीडियो। तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं। इनशॉट में जाते हैं, उसके बाद वीडियो पर जाते हैं, उसके बाद न्यू पे सिलेक्ट करते हैं। अभी आपको वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसा वीडियो सिलेक्ट कर पाएंगे? ऐसे क्लिक करेंगे, एक बार टच करेंगे, देखिए वीडियो सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको आपको डालना है और बाद में आपको दिखाते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक पहले से सिलेक्ट किया हुआ है वीडियो, उस पर जाते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए ये इसके बाद ये वाला वीडियो है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इसके बाद ये वाला वीडियो आपको डालना नहीं है, ये वाला वीडियो पर डालना है। तब क्या करेंगे आप, इसको ऐसे टच करके रखेंगे तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखने नज़र आएगा। आप क्या करेंगे, इसको आगे लेके इसको आगे कर देना है, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए इसके बाद इस वीडियो को आपको आगे ले जाना है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे जैसे था वैसे हम कर देते हैं। अभी आपको करना क्या है, अभी मान लीजिए ऐसे आपके पास, इसके बाद इफेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको जनरल नॉलेज के लिए अभी एक ऑन कर देते हैं वीडियो। आप लोग देख लिए, अभी एक एक वीडियो का आपको बात करेंगे, एक एक वीडियो के ऊपर। ये वीडियो है, आप कितना तक रखना चाहते हैं, एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप इसको आगे करेंगे, पीछे करेंगे कि कितना आपको वीडियो चाहिए, कितना तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको इसको क्या करना है, सभी का एक ही सेम फंडा है। उसके बाद आपको कोई फ़िल्टर देना है, मान लीजिए फ़िल्टर देना है आपको, ऐसे हमने पहले ही दे चुके हैं फ़िल्टर, फिर भी आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये फ़िल्टर पर गए, अभी आपको क्या फ़िल्टर देना है, इधर से हमने गोल्ड सिलेक्ट करके रखे हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 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 काफ़ी सारे हैं। हमने इधर अभी के लिए, अभी वीडियो के टोन के हिसाब से हमने गोल्ड सिलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, आया ये वाला, इधर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। हर फुटेज का ही फंडा है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला फुटेज, ये वाला फुटेज पर आप जाएँगे, इफेक्ट पर जाएँगे, आप इफेक्ट देख सकते हैं। देख लीजिए, फ़िल्टर तो आपको बता दिए, फ़िल्टर पे जाएंगे तो आप फुटेज का फ़िल्टर आप देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट कर दिए, आप उसको कम भी कर सकते हैं, जितना इफेक्ट आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर राइट हैंड साइड में आपको नज़र आएगा, ये आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके आपको अपने आँखों से हिसाब से आपको करना है। उसके बाद वाले आपको इफेक्ट पे जाएंगे, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है आप लोग देख लीजिए। इफेक्ट पे गए, मान लीजिए वीडियो पे हमको ये वाला इफेक्ट देना है, काफ़ी सारे इफेक्ट है, देखिए देख सकते हैं, हमको ये वाला इफेक्ट देना है, देखिए हमको ये वाला इफेक्ट देना है, देख सकते हैं, हमको ये वाला इफेक्ट देना है, देख सकते हैं, तो ये वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं कैसे ये होता है। अभी मान लीजिए मुझे ये वाला इफेक्ट देना है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं थोड़ा, राइट हैंड साइड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा। और कुछ भी डिलीट करना हो, मैंने पहले से हमने सिलेक्ट करके रखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ हो गया अभी आपको डिलीट करना है, आप कैसे डिलीट करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे इंटरफेस पे, देखिए डिलीट वाला ऑप्शन, आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया अपने आप। इसको पहले आप फिर से लाना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपका ये जो, इसको क्लिक करेंगे अंडो हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी इफेक्ट देख सकते हैं, अभी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आप कैसे। देखिए पहले जब वीडियो ऑन कर रहे हैं तो ब्लैक होके वाइट हो रहा है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट पे जाना पड़ेगा, इफेक्ट पे जाने के बाद फेड पे जाना पड़ेगा, फेड के जाने के बाद ये देखिए ब्लैक, ब्लैक पे आप क्लिक करेंगे तो
आपको कैसे मतलब कितना कितना तक कितना रखना है आप देख सकते हैं, ऐसे आप रख सकते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको हो गया, देख सकते हैं अभी, देखिए आसान से कर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है, डाउट होगा तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए ये हो गया आपका। अभी इसको डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाला इसको डिलीट करने के लिए क्लिक करेंगे, ऊपर इंटरफेस पे जाएंगे, डिलीट क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। और मेरा लास्ट वाला जो वीडियो है वो ब्लैक होकर फ्रेश होकर वीडियो बंद हो जा रहा है। ऐसे करने के लिए भी वही वही करना पड़ेगा आपको, आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद फेड में जाना पड़ेगा, फेड जाने के बाद ब्लैक क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको दो नज़र आएगा, दो चीज़, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला, क्योंकि आप दिखा के लास्ट में फेड कर फेड को फेड कर रहे हैं उसको, मतलब वीडियो को अंतर में अंत में आप ब्लैक कर रहे हैं, इसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। देखिए हो गया काम, आप कितना तक रखना चाहते हैं आपको इसको, तो आप वैल्यू आप कितना तक रखना चाहते हैं आप इधर देख सकते हैं। इसको भी टच करेंगे तो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट आ जाएगा। अभी के लिए ये इफेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि पहले से दिया हुआ है। अभी पूरा वीडियो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देख लिए, अभी आपको म्यूज़िक ऐड करना हो तो म्यूज़िक ऐड के लिए आप क्या करेंगे, हाँ म्यूज़िक ऐड के लिए आपको जाना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा पहली दफ़ा, सब सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अभी आपको ऑडियो पे जाना पड़ेगा। ऑडियो जाने के बाद आपको नीचे वाला जो म्यूज़िक है वो उसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है, सभी वीडियो अभी अभी नेचुरल जो वीडियो का जो क्लिप का जो आपका साउंड है उसको कम करने के लिए पूरा ज़ीरो करना पड़ेगा, और आपको क्लिक करना पड़ेगा तो आपका म्यूज़िक नहीं आएगा। और ऊपर वाला जो म्यूज़िक है आप ऐड कर सकते हैं, कैसे, म्यूज़िक पे जाएंगे, माई म्यूज़िक पे जाएंगे, आपका जितना भी म्यूज़िक है आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे हम क्लिक इसको क्लिक करेंगे, आ गया आपका पैनल, पैनल के बाद आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं। आप जितना भी पैनल लेके काम करना चाहते हो वो कर पाएंगे इधर। देखिए डाउट क्लियर हुआ आपका। अभी मान लीजिए इसका म्यूज़िक थोड़ा आगे, मुझे दो म्यूज़िक ही चाहिए, बात तीन पैनल चाहिए, तब क्या करेंगे, फिर से म्यूज़िक पे जाएंगे, फिर से एक पैनल उस पर क्लिक करेंगे और एक आ गया पैनल, ठीक है। अब ये पीछे चला गया, ये ऊपर वाला जो म्यूज़िक है वो पीछे चला गया, वो आगे नहीं आ रहा है, तो आपको आगे आने आगे ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दबा के ऐसे सिलेक्ट होगा जब, तब आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। जाने के बाद इसका जो म्यूज़िक इसका जो ये जो तीनों जो पैनल हमने ले लिए हैं, अभी मान लीजिए कि आप तीनों पैनल यूज़ करना चाहते हैं आगे पीछे करके, मान लीजिए आगे पीछे करके हम यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे हम यूज़ करना चाहते हैं, और जो आगे वाला म्यूज़िक है उसको हम साउंड रखना चाहते हैं, और ऊपर वाला म्यूज़िक जो है डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे किसी के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस खुल जाएगा म्यूज़िक का, म्यूज़िक पैनल का। आप कितना में कितना कितना साउंड देना चाहते हैं, कितना साउंड कम करना चाहते हैं, कितना बढ़ाना चाहते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद आप उसको साउंड कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम 10 रखना चाहते हैं, राइट क्लिक किए, राइट में जा क्लिक किए, सिलेक्ट हो गया, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, इसको हम 30 रखना चाहते हैं ऊपर वाले की। ऐसे हमने तो एक ही म्यूज़िक लिए हैं, तीनों पैनल डाल दिए क्योंकि आपको समझाने के लिए, आप लोगों को आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको आगे लेके आए, अभी देखिए कैसे सुनने में आएगा। समझ में आया आप लोगों को, अभी ये सब सब कुछ करके अभी सिलेक्ट करेंगे, देखिए आपका इंटरफेस बढ़ गया है। आप इंटरफेस को जूम आउट भी दो दो उंगलियों के हिसाब से आप एक साथ करेंगे तो दो उंगलियों को एक साथ आसपास में खींचेंगे तो ये पैनल आपका छोटा हो जाएगा, और दो उंगलियों को एक साथ प्रेस करके पीछे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको आपको मतलब छोटा करना है, डिलीट करना है आपको, अब कैसे करेंगे, इसको आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, देखिए डबल क्लिक करेंगे जितना आपको चाहिए, कितना तक, एक मिनट तक चाहिए या 40 सेकंड तक चाहिए करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपका हिसाब से हो जाएगा। देखिए
हो गया, फिर से इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको भी आपको 40 सेकंड तक चाहिए, क्लिक करेंगे हो जाएगा। अब ये सब होने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, हो गया आपका म्यूज़िक पैनल सब कुछ सिलेक्ट हो गया। अभी टेक्स्ट वगैरह आपके हिसाब से आपको जोड़ना पड़ेगा, मान लीजिए टेक्स्ट आपको कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप इसको ऐसे कहीं पर भी रख सकते हैं, ऊपर राइट हैंड साइड पे, ऊपर राइट हैंड साइड पे, नीचे मिडिल में, देखिए मिडिल में जब मिडिल हो रहा है तो आपको नज़र में आएगा, देखिए मिडिल हो रहा है कि नहीं, आप नीचे रख सकते हैं, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे रख सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसको कलर भी देख सकते हैं, ये है आपका कलर, ठीक है। अभी के लिए हम नहीं ले रहे हैं इसको, हम अभी के लिए डिलीट कर दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ये अभी तक, अभी के लिए। उसके बाद क्लिक कर देंगे, अभी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको नज़र आ रहा है ऊपर में, आप एक्सपोर्ट करेंगे कितना में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रेजुलेशन क्या, फ्रेम रेट कितना चाहिए, 25:50 या 60, MP4 फॉर्मेट में चाहिए या आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, आप देख सकते हैं, आपके हिसाब से आपको डिलीट करना पड़ेगा जी, मतलब आपको इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, 30 कर देंगे, सिंपल है। रेजुलेशन पे गए, 2K में चाहिए, 2K को हटाना है, ऐसे हटा पाएंगे। अभी 720 में चाहिए, 720 कर सकते हैं। अभी के लिए हम 1080 रखते हैं, अभी एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी के लिए इतना ही, और नया अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।